हेलो दोस्तों, डेली करंट अफेयर की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की डेली करंट अफेयर्स के लेटेस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि कल यानी 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये प्रतिवर्ष 25 नवंबर को मनाया जाता है, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कहा जाता है। दोस्तों यह दिवस महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2019 में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस की जो थीम थी वो थी ऑरेंज द वर्ल्ड, जनरेशन इक्वालिटी स्टैंड्स अगेंस्ट रेप। और दोस्तों घरेलू हिंसा के साथ महिलाओं को बाहर भी कई शारीरिक और मानसिक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 17 नवंबर 1999 को 25 नवंबर का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में घोषित किया था। और तब से ही दोस्तों ये वर्ष 2000 से हर साल 25 नवंबर को मनाया जाने लगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के बारे में कुछ आपको इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और अगली लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जा रहा है जो 31 से 30 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, तो इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों ये 21 तारीख से 30 नवंबर के बीच में मनाया जाने वाला मणिपुर में मणिपुर संगाई महोत्सव, जो केवल मणिपुर में पाए जाने वाले मृग मरी संगाई हिर के नाम पर रखा गया है। इसकी शुरुआत दोस्तों वर्ष 2010 में हुई थी, और जब यह दुनिया में मणिपुर की समृद्ध और परंपरा और संस्कृति का प्रदर्शन करने का सबसे बड़ा मंच बन गया है। दोस्तों महोत्सव का आयोजन जो है वो राज्य पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 के बारे में। तो दोस्तों वर्ल्ड एथलीट्स फेडरेशन ने 24 नवंबर को वर्ष 2019 के एथलीट पुरस्कारों की घोषणा की। इन पुरस्कारों में केन्या के एथलीट इलियुड किपचोगे को पुरुष एथलीट और अमेरिका की दालिला मोहम्मद को महिला एथलीट ऑफ द ईयर 2019 चुना गया। दोस्तों आयरलैंड के दिग्गज ट्रेनर ब्रदर कॉल ओकोनोल को केन्या में कोचिंग के काम के लिए सम्मानित किया गया। इन्होंने 29 साल की अवस्था में दोहा में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2019 में 400 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण पदक, और दोस्तों ये दालिला ने 52.16 सेकंड के नए विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद दोस्तों जो पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर है वो इलियुड किपचोगे चुने गए उसके लिए, और ये 35 साल के हैं। इन्होंने इस साल अप्रैल में चौथी बार लंदन मैराथन को जीता। इस स्पर्धा में किपचोगे ने 42.2 किलोमीटर की दूरी को 1:59.40 में पूरा किया। और दोस्तों ये लगातार दूसरे साल पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पाने वाले विजेता हैं। दोस्तों विजेताओं का जो चुनाव है वो मत प्रक्रिया के द्वारा होता है, और इस मतदान में 50% खिलाड़ियों के, 25% कोचों व पत्रकारों के और 25% मत आम जनता के होते हैं। अब बात करते हैं U15 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की। तो इसमें दोस्तों जो भारत है वो फ्री स्टाइल टीम रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों 15 वर्ष से कम आयु की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप यानी U15 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 का 24 नवंबर को समापन हुआ, और यह प्रतियोगिता चीनी ताइपे के ताइचंग में खेला गया था। इस चैंपियनशिप में भारत ने 13 स्वर्ण सहित कुल 28 पदक जीते, और दोस्तों फ्री स्टाइल स्पर्धा में भारत ने 10 स्वर्ण पदक जीते, और भारतीय टीम 225 अंकों के साथ पहली बार फ्री स्टाइल टीम में रैंकिंग में शीर्ष पर रही। इसके अलावा कजाकिस्तान है जो वो दूसरे, और जापान तीसरे स्थान पर रहा। इसके अलावा बात करते हैं भारत के जो लक्ष्य सेन हैं, उन्होंने स्कॉटिश ओपन के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है। दोस्तों ये लक्ष्य सेन हैं वो भारत के ही हैं। इन्होंने स्कॉटिश ओपन के पुरुष सिंगल का खिताब जो है वो ग्लासगो में जो खेला जा रहा है उसमें जीता,
और इन्होंने दोस्तों फाइनल मैच में लक्ष्य ने ब्राज़ील के गोरे कोल्हो को हराया था। और दोस्तों इनको मिलने वाला ये 3 महीनों में चौथा खिताब है, तो इसको भी आप याद रखें। और अगला पॉइंट देखते हैं, राफेल नडाल जो स्पेन के लिए छठा डेविस कप जीता है। दोस्तों राफेल नडाल ने अपने देश के लिए ही छठा डेविस कप जीता और इन्होंने मैड्रिड के कनाडा के डेनिस शापोवालोव को हराकर 2-0 से जीत सुनिश्चित की। और दोस्तों इन्होंने स्पेन के 2011 के बाद पहली बार ये कप जीता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा ने ओलंपिक कोटा हासिल किया है। तो दोस्तों भारतीय जो घुड़सवार फवाद मिर्जा हैं, ये भारत के हैं, तो इन्होंने ओलंपिक क्वालिफायर्स में शीर्ष पर होते हुए ओलंपिक कोटा हासिल किया। इस मामले में आधिकारिक घोषणा अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी महासंघ द्वारा 20 फरवरी को की जाएगी। और दोस्तों इससे पहले सिर्फ इम्तियाज अनीस ने वर्ष 2000 में हुए सिडनी ओलंपिक और दिवंगत विंग कमांडर आईजी लांबा ने 1996 में अटलांटा ओलंपिक में भारत का घुड़सवारी में प्रतिनिधित्व किया था। दोस्तों फवाद इस महीने यूरोपीय टूर खत्म होने के बाद दक्षिण पूर्व एशिया ओशियाना ग्रुप जी की व्यक्तित्व स्पर्धा में शीर्ष रैंकिंग के घुड़सवार हैं और इन्होंने एशियाई खेलों में फवाद ने 2 पदक जीतने में सफलता पाई, तो ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों आज के डेली करंट अफेयर्स में इतना ही, और इसी तरह मैं रोज आपके लिए करंट अफेयर्स के नए नए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ डेली करंट अफेयर्स की इस दुनिया में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताएं कुछ और टॉपिक पे यदि आप वीडियो चाहते हैं तो। और दोस्तों यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।